हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ ओपन डाइस पे। एक लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर क्लोज डाइस बंद होता है तब डाइस बंद पे हमारे पास कौन कौन सवाल बनते हैं। आज मैं आपके सामने सिखाऊंगी आपको कि अगर डाइस खुला हुआ हो तो उस पर कौन कौन सवाल बनते हैं। अगर आप नए हैं, आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्रियल मैम रीजनिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ये टॉपिक्स आपके सामने, वो टॉपिक्स लेके आ रही हूँ जो हर एग्जाम्स में आपके काम आएंगे और मिनिमम 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा कंसेप्ट और विद क्वेश्चन आपको सिखाने का ट्राई करूंगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो आज के आपके सामने 5 डाइस बने हुए हैं। ये 5 आपके पास सबको दिखाए कि जब डाइस को खोल देते हैं तो ये वेरायटी है जो आपके एग्जाम से बन सकती है। ये 5 वेरायटी के सवाल है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं ओपन डाइस से। तो ओपन डाइस का मतलब क्या हुआ? खुला हुआ डाइस, एक नजर में पूरा डाइस है, एक नजर में ही पूरा डाइस मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। आपके सामने इस टाइप से अलग अलग वैरायटी के डाइस आएंगे, ठीक है। आपसे पूछा होगा, कुछ ही पूछ सकता है, इसे सवाल को ले लेते हैं, आपसे पूछ लेगा 4 के विपरीत क्या होगा। हमेशा सवाल विपरीत का आएगा, हमेशा सवाल विपरीत का आएगा, या फिर एक और सवाल आएगा कौन डाइस बन सकता है, वो भी सिखाऊंगी मैं। देखो, ओपन डाइस का कोई भी सवाल देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके विपरीत क्या आएगा। जैसे कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, मतलब आपको अपोजिट समझना आना चाहिए। जैसे कि डाइस ये ले लिया, आप शुरुआत करें किसी भी कोने से, चाहे इस कोने शुरुआत करो, चाहे इस कोने, चाहे इस कोने, चाहे इस कोने से, कोई भी एक कोने शुरुआत कीजिए, सीधी लाइन में जाइए, सीधा लाइन, टेढ़ा नहीं आना, ऐसा नहीं आएगा। या तो इस टाइप जाएंगे आप, या चलेंगे ऐसे, मतलब या तो चलेंगे ऐसे या चलेंगे ऐसे, दो ही डायरेक्शन है चलने की। ऐसा टेढ़ा मत चलना, ऐसे चलो, ऐसे ही चलना, या तो चलोगे ऐसे या चलोगे ऐसे, यही दो तरीके हैं चलने के। हमने ले लिया ये डाइस, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इधर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, एक को छोड़ना होता है, फिर अगला लेंगे, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसको पकड़ा, ऊपर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, नीचे चलना पड़ेगा, इसके आगे इधर एक छोड़ेंगे तो 2 के अपोजिट 6 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 3 और 5, वो भी अपोजिट हो जाएंगे। तो ये है आपके अपोजिट निकालने का तरीका। इसको लेते हैं, कहीं से शुरुआत कर लीजिए, चाहे नीचे चाहे ऊपर, इधर से मान लो, इधर से करेंगे, इधर से किया हमने या ऊपर से, इधर से करेंगे तो देखिए ये छोड़ के ये क्या होगा, विपरीत, ए और ई विपरीत हो गए। ऊपर नीचे कहीं से भी कर लीजिए, अगर इसको पकड़ते हैं ये छोड़ के ये विपरीत, डी का विपरीत आपका बी हो गया, फिर ई और एफ, एफ और सी बचा, वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, समझ में आया। इसको देखते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर, जो आपका मन है वहां शुरुआत कीजिए, शुरुआत यहां से करते हैं। अगर देखो, अगर आपका मन हो रहा है यहां से शुरुआत करने का या यहां से, तो देखो शुरुआत करो, चाहे यहां से चाहे यहां से। अगर इसको पकड़ा, इधर तो कुछ है नहीं, ऊपर कुछ है नहीं, इस साइड है या इस साइड है, अगर ये है तो ये छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ होना चाहिए पर यहाँ पे खाली है, तो ये भी भूल जाओ, तो केवल एक ही शुरुआत है कि इसके अपोजिट ये हो जाएगा, मतलब ये लाइनिंग वाले के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ये गोला, ठीक है। अब इसको लेते हैं, अब देखो इसका छुओगे, इसके अपोजिट क्या हो, नहीं निकाल पाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगी, ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं निकाल पाओगे, लेकिन ये फिक्स है, ये दोनों विपरीत है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो बचा क्या, ये वाला, ये इसके विपरीत हो जाएगा, समझ में आया। जो नहीं निकल रहा उससे मत ट्राई करो, जो से निकल सकता है उससे ट्राई कीजिए। इसमें देखते हैं कैसे निकालेंगे, इससे शुरुआत करते हैं, डी से करोगे शुरुआत, ऊपर कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, इधर है, इधर भी एक ही है, इधर होना चाहिए था, एक छोड़ के एक विपरीत होता है ना, एक छोड़ के एक, तो एफ के विपरीत तो हो जाएगा बी, एफ और बी विपरीत हो गए, ई और सी विपरीत हो गए, बचा क्या, ए और डी, तो ए और डी, क्या आप सपने में भी सोच सकते थे कि ए और डी विपरीत होकर, नहीं सोच सकते थे, तो इसलिए मैंने आपको बोला जो निकल सकता है पहले उसको निकालो, उसके बाद बाकी का ट्राई करो। इस पे आते हैं, इसके विपरीत ये हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये लाइनिंग वाला हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा। अब आई थिंक आपको कोई भी सवाल दे जाए, कोई भी पैटर्न का सवाल होगा, तो आप लोग आई थिंक अपोजिट तो आराम से निकाल लोगे कि किसका अपोजिट क्या होता है। मेन मकसद ही हमारा क्या होता है, अपोजिट निकालना। अब देखो, अगर आपको अपोजिट निकालना समझ में आ गया कि अपोजिट कैसे निकालते, तो आप कोई भी सवाल कैसे निकालोगे। तो पहला सवाल हम लेते हैं अपना, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने देती हूँ, देखिएगा बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल आपका ओपन डाइस का, हर एक चीज को, जो बच्चे नए थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इन सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हो,
क्योंकि यही आपके एग्जाम्स में सवाल आएंगे ऐसे ही टाइप के, कोई नया सवाल बन के नहीं आता, यही सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेती हूँ, आप बताइएगा कौन सा सन सही होगा आंसर। डाइस आपको दे रही हूं मैं, ये रहा आपका डाइस, जो अभी हमने किया उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, ये रहा आपका डी, ये रहा आपका ए, तीन डाइस है आपके पास, एफ बी ई, फिर है ई डी एफ, फिर है ई सी बी, फिर है डी ई और ए, ये आपके पास सवाल है। अब देखो सवाल की बारीकी को समझना, आपसे क्या पूछा जा रहा है सवाल को समझिएगा, आपसे पूछा जा रहा है ये कि ये एक खुला हुआ डाइस है, जब मैं इस डाइस को बंद करूंगी तो इनमें से कौन सा डाइस बन सकता है, ये आपको बताना है। वन टू थ्री फोर, ये अलग अलग डाइस है, आपको बताना है जब मैं इस डाइस को बंद करूं तो कौन सा डाइस बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, नंबर वन स्टेप क्या है आपका, सबसे पहले जब भी इस टाइप का निकालना हो सबसे पहले विपरीत निकालो। कैसे निकालोगे, ई का विपरीत क्या हो जाएगा बी, ये निकालना आ चुका होगा, एफ का हो जाएगा सी और ए का हो जाएगा डी, निकाल लिए, ये हो गया आपका स्टेप नंबर वन, स्टेप वन हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप टू, आपको देखना है जो ये तीनों नंबर हैं, ये जो तीनों दिए हुए हैं, तीन सरफेस है यहाँ पे, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, हर किसी में तीन सरफेस है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीन सरफेस है, ये तीनों सरफेस यहाँ पे अलग अलग लाइन में आनी चाहिए, मतलब ये आपका पहला सरफेस एक सरफेस हो गया, ये आपका एक है, ये सरफेस दो है, ये सरफेस तीन है, जैसे कि एफ बी और ई, एफ कहाँ पे ये रहा, E कहां पे ये रहा, और आपका F B और B कहां पे ये रहा, देखो E और B क्या है अगल बगल है, E और B क्या है अगल बगल है। अभी अभी मैंने एक चीज रिपीट करी, हर एक सरफेस, हर एक सरफेस, हर एक सरफेस अलग लाइन पे होना चाहिए, अलग लाइन पे होना चाहिए, लाइन पे होना चाहिए, ये आपका स्टेप टू है, चाहिए। इसमें B और E क्या है सेम लाइन पे है, देखो सेम लाइन पे है, तो ये आपका डाइस नहीं बन पाएगा। EFD देखो ये तीनों अलग अलग लाइन पे, ये पहली लाइन पे E, F दूसरी लाइन पे है और ये तीसरी लाइन पे, तो ये वाला बन सकता है। EBC E और B देखो सेम लाइन पे आ गए, ये भी नहीं बन पाएगा। DEA D और A देखो एक लाइन पे हैं, तो D और A एक लाइन पे है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब केवल एक ही डाइस जो आपका बन पाएगा वो है ऑप्शन नंबर B, सेकेंड डाइस ही आपका बन सकता है। तो स्टेप नंबर वन क्या था, आपको निकालना था किसके विपरीत क्या होगा, विपरीत निकाल लिया, फिर आपको केवल चेक करना है कि हर सरफेस की जो डिजिट है, हर सरफेस का जो नंबर है वो यहाँ पे अलग अलग लाइन पे होना चाहिए। तो ये तरीका था आपका, तो आप कैसे भी कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। इसमें एक और सवाल देखती हूँ, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन का सवाल है, यहाँ तो क्या था सारे नंबर दिए हुए थे, एक सवाल ऐसे भी आता है जिसमें कुछ नंबर मिसिंग होते हैं, एक सवाल आपका ऐसा भी आता है जिसमें कुछ नंबर आपके मिसिंग होते हैं, तो वो वाला सवाल आप कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है, वो सवाल आप किस टाइप से करेंगे। सवाल आगा अगला आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो ये रहा आपका सवाल, पहला डाइस आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, इस टाइप से है आपका, ठीक है, सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है, पहला डाइस आपके पास इस टाइप से बना हुआ है डॉट, दूसरा है आपके पास डॉट, इस टाइप से लाइन बनी हुई है, ये सभी इस टाइप से लाइंस बनी हुई है, ठीक है, दूसरा तीसरा है आपका इस टाइप से लाइन बनी हुई है इसमें ये डॉट, और चौथा है आपका इस टाइप से लाइन बनी हुई है और इधर भी इस टाइप से लाइन बनी हुई है, ओके, ये आपका डाइस है। डाइस समझ गए आप, समझ में आ रहा है, सबकी सरफेस समझ में आ रही है, इसकी सरफेस ऐसी है, यहाँ पे प्लेन है, ये वाला प्लेन जो है यहाँ पे दो पे इस टाइप का, एक में डॉट लगी हुई है, यहाँ पे एक में डॉट है, यहाँ पे एक ये एक प्लेन है और यहाँ पे इस टाइप से, ये आपको सरफेस समझ में आ गए। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें विपरीत निकालना है, निकालिए, इसका विपरीत ये हो जाएगा, मतलब ये जो लाइनिंग वाला सरफेस है, लाइनिंग वाला पहला लाइनिंग, इसके अपोज हो जाएगा डॉट वाला, ये हो गया डॉट वाला। दूसरा क्या है, ये दोनों प्लेन जो है, दोनों प्लेन एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, बचा क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब वही अपना स्टेप नंबर टू चालू करते हैं। स्टेप नंबर टू क्या था, निकालना है हर सरफेस अलग अलग होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होंगी,
डॉट तो ये रहा। अब देखो दो प्लेन है हमारे पास, यहाँ पे तीन प्लेन है। अब ध्यान सुनना इस बात को, अगर मैं ये दोनों प्लेन ये दोनों ले लूं तो डायग्राम गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्लेन मैं ये दोनों लूं, एक ये और एक ये, तो ये डायग्राम सही हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है हम ऐसी चीज को उठाएं जिससे कि वो चीज सही हो जाए, बन सके। हमें पॉजिटिव वाली पॉसिबिलिटी लेनी है। दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मैं इन दोनों सरफेस को ये दोनों ले लूं, इसके वजह से डायग्राम गलत हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मैं ये दोनों लूं या ये दोनों लूं, डायग्राम सही हो जाएगा। तो मैंने वही लिया, सही मान लिया इसको। अगला देखते हैं, एक डॉट ये रहा, दो ये, एक ये, एक ये। अब देखो हमारे पास कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये दोनों ही है, ये दोनों यहाँ पे आ गए। तो कोई भी मान लीजिए इसके बगल में एक बार तो ये आना ही आना है, तो ये तो गलत हो ही गया। इसके बगल में चाहे ये मान लो चाहे ये दोनों मान लो, कोई भी एक है जो इसके बगल वाला है तो ये गलत हो गया। अगला देखो, ये तीन, तो एक तो ये मान लिया, मान लो ये है, एक प्लेन वाला मान लेते ये है, नहीं। अब देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है इसको मानने के लिए, या तो मैं ये मानूं या फिर ये मानूं। अगर मैं ये मानती हूँ तो ये दोनों अगल बगल हो गए, गलत माना जाएगा। अगर मैं इसको ये मान लूँ, ये वाला ये है और डॉट तो है ही ये, और ये प्लेन ये वाला है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, प्लेन वाला मान लेते मैं ये हूँ, तो ये भी एक बार सही हो गया। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला डाइस नहीं बन पाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बन जाएंगे, पहला बन पाएगा, थर्ड बन पाएगा और फोर्थ बन पाएगा। समझ में आया मैंने कैसे किया? आपको इसमें वो पॉसिबिलिटी लेनी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने आपको सिखाया। हमको वो पॉसिबिलिटी लेनी है जिसकी वजह से वो डायग्राम सही हो सकता है, तो हम वही लेके चलेंगे। हमारे पास हर किसी में दो कंडीशन आई, कौन सी उठाएं? तो हमेशा हमने वो वाली कंडीशन उठाई जिसमें वो पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, जिसकी वजह से वो डायग्राम बन सकता है, तो हमने वही उठाएंगे। समझ में आया? अगर आप आज पहली बार पढ़े थे डाइस को, फर्स्ट टाइम देखा था, तो आप कम से कम एक से दो बार देखोगे, इसके बाद कोई भी सवाल लगाओगे आपसे हर सवाल बन जाएगा। तो ये था आपका ओपन डाइस, यही टाइप का सवाल है, एक इजी समझाया एक टफ समझाया, दो सवाल समझाए मैंने आपको ओपन डाइस के अंदर सवाल कैसे आते हैं। यही टाइप के सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे। अगर आपको अच्छा लगाओ, आपको लगाओ आपने कुछ नया सीखा है, सब्सक्राइब कीजिएगा प्रियल मैम रीजनिंग को, रेगुलरली मैं आपके सामने इस टाइप की शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगी, हर एग्जाम में काम आने वाली ये वीडियोज है। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल वापस से, बाय बाय।